So hey guys, Kaushal More here, and today we are discussing about a very interesting topic of risk management and position sizing as well. So it's a Kelly's criteria. But before discussing Kelly's criteria, हम पहले discuss करेंगे percentage risk management and position sizing. Okay? So अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम देख रहे हैं डिमांड का चार्ट और यहाँ पर engulfing candle बना है. यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है और वॉल्यूम अच्छा खासा है. तो सब लेट्स से कि ये हमारा स्ट्रैटेजी है कि हम engulfing candle में बाइंग करते हैं. ओके तो मैं यहाँ पर अगर पोजीशन बनाने की सोचूं तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन बना लूँगा. मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा और टारगेट जो होगा वो मेरा होगा यस इस हाई के थोड़ा सा नीचे. तो यहाँ पे मेरा राउंड फिगर अगर बोलूँ तो यहाँ पे मेरा 5% का स्टॉप लॉस बैठ रहा है और मेरा 10% का टारगेट बैठ रहा है. मतलब 1:2 रेशो का ये मेरा ट्रेड है. 1:2 रिश्तु रिवॉर्ड रेशो का ये मेरा ट्रेड है. बट अगर सपोज़ कीजिए कि मेरा कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है और मैं अगर 5 लाख रुपीज़ की पूरी की पूरी ट्रेड ले लूँ तो उसमें मेरा 25,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा. तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए. अपने पूरे कैपिटल की ट्रेड कभी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो आदमी को बर्बाद होने के लिए टाइम नहीं लगता. ठीक है, ये मेरे साथ हो चुका है. सो अगर आप देखें ना तो लेट्स ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा सपोज कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ में कितना अफोर्ड कर सकता हूँ लूज़ करने के लिए. तो जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने कैपिटल पे 1% से लेकर 3% तक रिस्क लेते हैं. मतलब सपोज़ कीजिए कि मेरा कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है तो 1% अगर मैं रिस्क लूँ तो मैं मिनिमम 5,000 रुपीज़ की रिस्क ले सकता हूँ सिंगल ट्रेड में. और अगर हाईएस्ट मैं रिस्क ले सकता हूँ 3% तक. तो वैसे कैलकुलेट करें तो मैं मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ पर ट्रेड पे मैं रिस्क ले सकता हूँ. ओके तो यहाँ पर मेरा जो रिस्क बैठ रहा है वो 25,000 बैठ रहा है. तो यहाँ पर मैं 2 लाख की ट्रेड पंच करूँगा. अगर मैं यहाँ पर 2 लाख की ट्रेड पंच करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठ रहा है ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का. तो मैं ये ट्रेड लूँगा. तो ऐसे हम परसेंटेज रिस्क मैनेजमेंट करते हैं. बट देखिए कि अगर 12 मंथ्स में कुछ ड्रॉडाउन मंथ्स भी होते हैं, कि हर एक की स्ट्रैटेजी में कुछ ड्रॉडाउन मंथ्स होते हैं. तो लेट्स से हमारे पास 12 मंथ्स में हमें 3 मंथ्स जो है वो ड्रॉडाउन मंथ्स है. ओके तो अगर हम वो ड्रॉडाउन मंथ्स में अगर हम हमारी पोजीशन साइजिंग मिनिमम रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है. और कभी कभी क्या होता है कि सब मार्केट पूरा का पूरा ऊपर जा रहा होता है और हर एक कोई प्रॉफिट कर रहा होता है. तो उस फेज़ में और वहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी भी अच्छा परफॉर्म करता है. तो उस फेज़ में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हैं. तो ऐसा ही कुछ बताता है हमारा केलिस क्राइटेरिया. तो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी एक्सेल शीट में. सो लेट्स गो टू द एक्सेल शीट नाउ. सो लेट्स डिस्कस केलिस क्राइटेरिया नाउ ऑन एक्सेल शीट. तो हम देखो अभी यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ इफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे. तो यहाँ पे देखो हमारा 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. लेट्स एज्यूम करना है सिर्फ यहाँ पे -3,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. यहाँ पे और हम इनपुट फील्ड्स फिल कर देंगे. तो लेट्स से हमारे हमको यहाँ पे 3,000 रुपीज़ का अगेन प्रॉफिट हुआ है. अगेन यहाँ पे हमको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है एंड यहाँ पे हमको 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है. तो अगर आप देखेंगे तो हमको टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 13,000 हुआ है. उसमें से लॉस जो हुआ है हमारा वो 5,000 हुआ है. और प्रॉफिट सिर्फ अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट हमारा आ रहा है 18,000 रुपीज़. नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए हमने 10, उसमें से 7 हमारे विनर्स आए हैं और 3 लूजर्स, विच इज़ वेरी गुड. यहाँ पे एवरेज गेन हमारा 2,500 है और एवरेज लॉस है हमारा 1,600. तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो बैठ रहा है हमारा वो आ रहा है. मतलब इस कैलकुलेशन से, इस इनपुट फील्ड से कैलकुलेट करने के बाद में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है 1:1.5. ओके 1:1.5. ओके तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद, मतलब इसका फॉर्मूला है केलिस परसेंटेज इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस. ये आपको देखने की जरूरत नहीं है. हमको ये देखना है कि केलिस क्राइटेरिया यूज़ कैसे करना है और केलिस क्राइटेरिया यूज़ करके हमको हमारी ट्रेडिंग और अच्छी तरीके से कैसे करनी है, हमको ये सीखना है. हमको ये नहीं सीखना कि ये फॉर्मूला कैसे बनाए क्या बनाए, ये नहीं सीखना. ठीक है, तो यहाँ पे केलिस परसेंटेज आ रहा है 50%. ये सब कैलकुलेट करने के बाद मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है एक्सेल शीट में. मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 50% आया तो मेरा कैपिटल यहाँ पे कितना है 1 लाख रुपीज़ लेट अज्यूम. तो यहाँ पे 51% बोल रहा है कि आप 51% अपने कैपिटल का जो 51% होगा उसकी आप ट्रेड ले सकते हो. तो मेरा 1 लाख का 51% कितना होता है 50,500 रुपीज़. बराबर, तो डायरेक्ट 50,500 रुपीज़ की ट्रेड लेनी है हमको, नहीं ऐसा करना ही नहीं है. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट डू दिस, ऐसा करना नहीं. और यही सबसे बकवास लगता है मुझे केलिस क्राइटेरिया में. तो इसके प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने कहा कि ट्रेडर्स ने मॉडिफाइड भी किया है, देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 लाख की ट्रेड हो हमारे पास और 51% का अगर हम केलिस क्राइटेरिया बोल रहा है कि आप 51% का अपना कैपिटल पे ले सकते हो, तो 5 लाख का 51% कितना होता है भाई 2,52,000 रुपीज़ हो रहा. तो आप 5 लाख में से 2,50,000 रुपीज़ की एक सिंगल ट्रेड ले लोगे क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा 5 लाख रुपीज़ है, ये हमारा जो 5 लाख रुपीज़ है उसकी 10% अमाउंट लेंगे.
क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज़ की 10% अमाउंट लेंगे। तो 5 लाख रुपीज़ की 10% अमाउंट, 10% अमाउंट कितना है, कितना होता है 50,000 रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ का 10% कितना होता है 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर केलिस क्राइटेरियम क्या बोल रहा है, 50.5 है ना यहाँ पे, इसलिए वो 51 दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या केलिस कितना बोल रहा है हमको, 50%। ठीक है, कि आप आने वाले ट्रेड्स में अपने कैपिटल पे 50% की ट्रेड ले सकते हो। बराबर, हमने क्या किया कि 5 लाख का 10% निकाल लिया, वो कितना होता है 50,000 रुपीज़। बराबर, अभी 50,000 रुपीज़ का हम निकालेंगे 51%। तो 50,000 रुपीज़ का 51% कितना आता है, 25,200। तो आप अपनी अगली ट्रेड ले सकते हो 25,000 की। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा मैक्सिमम होना चाहिए ये इतना, ओके कोई गड़बड़ होगी शायद, मैक्सिमम होना चाहिए इतना, ओके ना, तो आप 1 लाख रुपीज़ पर ले सकते हो। ओके, 20% आप कर रहे हो, ठीक है, अलोकेट अमाउंट कितना कर रहे हो 20%, 5 लाख पे 20% कितना आता है 1 लाख रुपीज़, है ना। तो 1 लाख का केलिस क्राइटेरिया कितना आ रहा है हमारा 50% का, तो 1 लाख का 50% कितना होता है 50,000 रुपीज़। तो आप नेक्स्ट ट्रेड जो लोगे वो 50,000 रुपीज़ के लोगे, ठीक है। बट ये जो परसेंटेज है ये आपको 5% से लेके मैक्सिमम 10% तक लेके जाना है, उससे ऊपर नहीं लेके जाना, क्योंकि वो उससे ऊपर लेके गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके कैपिटल करोड्स में होते हैं, वो यूज़ करते 5%, मतलब जो भी लोग यूज़ करते होंगे केलिस क्राइटेरिया तो वो यूज़ करते 5%। ओके, बट यहाँ पे हमारा कैपिटल कमज़ोर है इसलिए हम थोड़ा हमारा वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20% मतलब 1 लाख, और अगर ये बोले तो 50% तो ले सकता है, तो 1 लाख का 50% लेंगे हम, 5 लाख का नहीं लेंगे। हमारा कैपिटल कितना है यहाँ पर 5 लाख, तो हम 5 लाख की निकाल लिए 20%, तो 5 लाख का 20% कितना आ गया 1 लाख रुपीज़। ओके, तो अगर केलिस बोले हमको अगर मैं और यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर दूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर दिया 6,000 रुपीज़ का, ठीक है, तो मेरे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगे। केलिस बोल रहा है अभी 66% का तो ट्रेड ले सकता है तेरे कैपिटल पे, मैं इतना कैपिटल पे 66% का तो ट्रेड ले सकता है। तो देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 20% पहले एलोकेट करके रखा है, तो 1 लाख पे मैं लूँगा 67% का, 5 लाख पे मैं नहीं ले रहा। मैंने क्या किया है सिंपल लैंग्वेज में बताओ, तो मैंने क्या किया, 5 लाख का 20% निकाल लिया, तो वो हो गया हमारा 1 लाख रुपीज़। वो 1 लाख पे मैंने बाद में फिर 67% निकाल लिया 1 लाख का, तो 66,000 आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड कितने की लूँगा, 66,000 की लूँगा। अगर मैं और बढ़ा लूँ मेरे प्रॉफिट्स, तो लेट्स से मेरे को एक भी लॉस नहीं हुआ, सिर्फ इस मंथ में लेट्स से मैंने 10 ट्रेड्स लिए और 10 ट्रेड्स में से मेरे सिर्फ एक ही लॉस है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखो 79% का आ रहा है केलिस क्राइटेरिया, तो यहाँ पे देखो मैं कितना लूँगा, 1 लाख पे का 80% मतलब 79, तो मैक्सिमम यहाँ पे 100% भी हो जाए ना, तो मैं 100% में फिर 1 लाख की ट्रेड लूँगा, 100% में मैं 5 लाख की ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही अलोकेट अमाउंट कितना करके रखा है केलिस क्राइटेरिया के लिए 20%। ओके, तो 5 लाख का 20% आ गया हमारा 1 लाख, केलिस क्राइटेरिया परसेंट क्राइटेरिया बोल रहा है कि 79% की ट्रेड ले लो आप अगली, तो 1 लाख पे 80% की ट्रेड ले ली, तो मेरा ट्रेडेबल अमाउंट हो गया 80%। सो होप यू गाइस कैन रिलेट दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।